हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कुछ अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई हैं जो अप्रेंटिस के लिए जो फ्रेंड्स हमारे अप्रेंटिस करना चाहते हैं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आगे जाके हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या आपको करना है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स, आइए मैं आपको डायरेक्ट इसके पोर्टल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम आपको सब चीज़ें आई थिंक क्लियर कर देंगे। मेरे हिसाब से सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आइए चलते हैं। तो हम यहाँ पे NHPC एक मिनट फ्रेंड्स NHPC पे ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम करियर में जाएंगे। ओके तो फ्रेंड जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंगेजमेंट ऑफ द ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड द ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द सॉरी अप्रेंटिस एक्ट द 1961 फॉर द ईयर 2019 इन लोकतक पावर स्टेशन। ये लोकतक मणिपुर में जो पावर स्टेशन है उसके अंदर निकली हुई है। तो फ्रेंड्स इनमें हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बी ई बी टेक हैं और आपने अगर कहीं भी जॉब नहीं किया है या कहीं भी अप्रेंटिस नहीं किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप ITI और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम बात करेंगे BE और BTech की। आपने BE BTech अगर सिविल से मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम आगे बात कर लेते हैं, ये ऐसे ओपन कर लेते हैं जो ऑफिशियली से मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले ही, आपको डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म। ओके एंड फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि हमारा नेशनल हाइड्रो पावर ये आपको कुछ दिखा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिविल और IT वाले भी इसके लिए, तो आपने क्या होना है एलिजिबिलिटी जो दिए हुए हैं वो पास होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा रिकॉग्नाइज, ठीक है ये आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो डिग्री है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हुई है आपको क्वालिफाई हुए, आपने कहीं पे अप्रेंटिस नहीं किया हुआ हो, नहीं आपने कहीं जॉब हुआ, मीन्स आपके लिए बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो आपको क्या है इसमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको कितने जो आपको जो BE BTech वालों को मिलना है वो मिलेगा 4984। बट हमको यहाँ पे मनी से कुछ नहीं लेना है, आप यहाँ से अप्रेंटिस करेंगे तो आपको 95 से 99% आपके चांसेस हो जाते हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि आपको एक अच्छे अच्छी किसी MNCs वगैरह में जॉब करने की वो मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो आपको फॉर्म है वो फिल करना है, उसके बाद OBC का डोमिसाइल वगैरह ये, और इसमें क्या 2 self-attested envelope आपको इसके साथ भेजने हैं जिनमें 45 rupees का पोस्टल स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। SC ST एप्लीकेंट शुड बी अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इशूज बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके इसके लिए करना क्या है मैं अब वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेशन ये आपको यहाँ पे ये यहाँ मैनेजर HR को भेजना है, वहाँ पे ये आपका फॉर्म है, इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, लोकतक पावर स्टेशन मणिपुर भेजना है, यहाँ पे फोटो स्टैम्प करनी है और अपने डेट ऑफ बर्थ नोटिफिकेशन नंबर एंड ये आपको सब इसमें फिल कर देना है। तो आपने क्या करना है जो BE BTech वाले स्टूडेंट्स हैं ठीक है उन्हें क्या करना है, पहले MHRD की तो वहाँ पे जाके MHRD की ऑफिशियल साइट पे जाके पहले आपको अप्रेंटिस के लिए रजिस्टर करना है, वहाँ से आपको इन्वॉलमेंट नंबर मिलेगा, वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करना है तभी आप इस फॉर्म को आगे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो जो फ्रेंड्स इसके लिए करना चाहते हैं अप्लाई मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर दें क्योंकि अगर आप ऐसे जगह से कहीं से अप्रेंटिस करते हैं तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है बट मैं उनके लिए बात नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल BE BTech के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप इसको भेज देंगे उनके लिए अलग फॉर्म है ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और केवल इसमें आप फ्रेशर आपको 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए अपनी डिग्री कंप्लीट किए हुए एंड प्लस आपने कहीं पे वर्क जॉब नहीं की हो और ना ही कहीं पे आपने अप्रेंटिस किया तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको उसमें जाके प्रॉब्लम हो रही है साइट गूगल में जाके सर्च करने में, तो आप वहाँ से डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मिल देंगे फिर अगली वीडियो में।